हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज आवर लेक्चर 8 ऑफ क्लास 12th एंड द चैप्टर दैट वी वर डूइंग वाज मैट्रिसेस। एंड टुडे वी विल डू द टॉपिक ऑफ मैट्रिसेस दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड द टॉपिक इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। द टॉपिक इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। बेटा सबसे पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे आपको फुल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ समझने की जरूरत है। तो आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा बिकॉज फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर एग्जाम। नाउ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट कैसे करते हैं? पहली बात, इनवर्स होता क्या है? देखिए बेटा, अगर हम सिंपल न्यूमेरिकल देखें वैल्यूज, अगर हमारे पास 5 है, ठीक है 5, अगर हम इसके रेसिप्रोकल की बात करें दैट इज 1/5, क्लियर। तो 5 अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/5, ठीक है जी। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल्स, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करूं दैट मीन्स 5 × 1/5, तो हमारे पास क्या बनता है? 1। कोई भी अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर उसका रेसिप्रोकल के साथ उसको प्रोडक्ट करते हैं तो वो 1 ही आता है, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि अगर 1 आ रहा है तो ये एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल्स है। तो सेम अगर हम बात करें मैट्रिसेस में, बेटा अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिसेस हैं और उनकी अगर हम प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लीकेशन करें, देखिए न्यूमेरिकल तो यूनिटी वैल्यू को 1 बोलते हैं ना, लेकिन मैट्रिक्स में तो यूनिटी 1 नहीं होता। तो यूनिटी कौन सी मैट्रिक्स लेते हैं हम? यूनिट मैट्रिक्स, और वी कैन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब अगर कोई भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, इफ देयर आर टू मैट्रिसेस, मैट्रिक्स ए एंड बी, अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं और इन दोनों मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है, इफ दिस इज इक्वल्स टू आई, आई मींस यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है जी। अगर किन्हीं भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है तो वो मैट्रिक्स आपस में क्या होती है? एक दूसरे की रेसिप्रोकल्स। लेकिन इन मैट्रिक्स, अगर हम मैट्रिक्स की लैंग्वेज में बात करें मैट्रिसेस की, तो उसे बोलते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। दैट मीन्स अगर ए बी आई के इक्वल आ रहा है, ए को बी के साथ प्रोडक्ट करते हैं और वो आई के इक्वल आ रहा है, आई इज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वी कैन से अगर बी को ए के साथ करते हैं, दो ही मैट्रिसेस है ना, तो ए बी हो चाहे बी ए हो, ठीक है, अगर वो आई के इक्वल आ रहा है, ए बी भी और बी ए भी दोनों आई के इक्वल आ रहे हैं, तो वो क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्स। मतलब ए और बी एक दूसरे के क्या है? इनवर्स मैट्रिसेस। और वी कैन से बी इज द इनवर्स ऑफ ए और ए इज द इनवर्स ऑफ बी, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो मैट्रिसेस में अगर किन्हीं दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल बन रहा है तो वो दोनों मैट्रिसेस क्या होती हैं? इनवर्स एक दूसरे की, ठीक है जी। तो अगर हम प्रॉपरली समझें तो अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे पहले That should be a square matrix. अगर वो square होगी तब उसका inverse exist करेगा, otherwise नहीं होगा, ठीक है जी। अगर हम square matrix की बात करें, कोई भी matrix, square matrix, तब invertible होगी। बेटा मैं word use कर रही हूं invertible। इन्वर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो उस मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, ठीक है जी। मतलब अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है
वो स्क्वायर है, पहली बात तो वो स्क्वायर है, ठीक है, वो तब इन्वर्टिबल बनेगी अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स बी है जिसमें ये दो कंडीशंस अप्लाई हो रही हों, ठीक है जी। मेन तो वही बात है कि ए इन्वर्टिबल तब होगी, मतलब ए का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास कोई ऐसी मैट्रिक्स हो कि उन दोनों को प्रोडक्ट करें और आए के इक्वल आ जाए, ठीक है जी। तो वो क्या होगी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, दैट मीन्स उसका जो इन्वर्स है वो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। ये तो बेसिक है कि कब मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है। इन्वर्टिबल का मतलब जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, ठीक है जी। अगर हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि ए और बी को प्रोडक्ट करे आई के इक्वल आर है, तो मतलब ए इन्वर्टिबल है, बी भी इन्वर्टिबल है अगर बी ए इज इक्वल्स टू आई आ जाए, ठीक है जी। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसको हम गिवन मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करें और वो आई के इक्वल आ जाए, तो वो गिवन मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल है, और उसका इन्वर्स कौन सा होगा, जिसके साथ हमने उसको प्रोडक्ट किया है, ठीक है जी। क्लियर? तो अगर नहीं क्लियर, वी विल कंटिन्यू इट एंड द टॉपिक विल क्लियर टू यू। देखिए जी, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैविंग एन रोज, ठीक है जी, इज सेट टू बी इन्वर्टिबल, इज सेट टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट एन एन रोड मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई वेयर, और यू कैन राइट आई एन, वेयर आई एन इज यूनिट मैट्रिक्स। देखिए बेटा, आपके दिमाग में ये होगा कि मैम ने एन रोज तो लिख दिए, एन कॉलम्स तो लिखे नहीं। बेटा अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जितनी रोज है उतने कॉलम्स होंगे, आपको सिर्फ एन अगर आपने मेंशन कर दिया, अगर थ्री रोज हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है जी। तो अगर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करें, अगर हमारे पास ये कंडीशन है, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, तो जो बी है वो ए का क्या बन जाएगा, इनवर्स, और जो इनवर्स है उसको कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ए इनवर्स, ठीक है जी। तो मतलब बी जो है वो क्या है, ए इनवर्स है, अगर ये कंडीशन बनती है तो बी क्या है, ए इनवर्स है, मतलब ए का क्या है, इनवर्स, और उसको कैसे लिखते हैं हम, ए इनवर्स, ठीक है जी। ये तो बात हुई कि इनवर्स होता क्या है और क्या कंडीशन है इनवर्स होने की। अब अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका इनवर्स हमें कैसे निकालना है उसकी बात करें, तो बेटा देखिए, इनवर्स करने से पहले मैं आपको ये बात समझा दूं कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करते हैं यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है जी, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस होती क्या है बेटा, अगर किसी भी मैट्रिक्स में हम कुछ चेंजेस, जो चेंजेस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में होती हैं, जो जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, वो चेंजेस अगर हम किसी मैट्रिक्स में अप्लाई कर दें, ठीक है जी, और हमारे पास ये कंडीशन बन जाए
ठीक है, उसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ठीक है, फिर उसके बाद यूजिंग एन एग्जांपल हम करेंगे कि इन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को हम इनवर्स फाइंड आउट करने में कैसे यूज करते हैं। ठीक है जी। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस बेसिकली बेटा हमारे पास रोज की और कॉलम्स की दोनों की तीन तीन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है जी, तीन रोज के लिए, तीन कॉलम्स के लिए। ठीक है, अब सबसे पहली जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सेम जैसी रोज की होंगी वैसी की हमारे पास कॉलम्स की होंगी। ठीक है जी, बस जस्ट जहां पे आपको रो लगा दिया वहां आपने उसको कॉलम अप्लाई कर देना है, अगर कॉलम लगा दिया तो रो लिख देना है, अदरवाइज जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है दैट विल रिमेन सेम। तो फर्स्ट जो है वो क्या है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की रोज को इंटरचेंज कर दे, रोज को इंटरचेंज कर दे, तो जो वो मैट्रिक्स है सेम इक्विवेलेंट रहती है बेटा, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। सपोज आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती जाऊंगी। ठीक है जी, आपके पास जो फर्स्ट है, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स 3 4, ठीक है, अगर आपने इसकी रोज को इंटरचेंज कर दिया, ये R1 है या R2, अगर आपने R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरचेंज। ठीक है, तो हमारे पास A क्या बन जाएगी, 3 4 1 2। बेटा ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस में पॉसिबल है, अगर हम ये चेंजेस कर भी देते हैं तब भी वो दो मैट्रिसेस क्या रहती हैं, इक्विवेलेंट। मतलब ये नहीं कि वो मैट्रिक्स बदल गई जी, मैट्रिक्स कन्वर्ट कर दी हमने, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास मैट्रिसेस में अवेलेबल हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद भी ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या रहती हैं, इक्विवेलेंट। ठीक है जी, तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या रहेंगी, इक्विवेलेंट। मतलब जैसे मैंने यहां पे ऑपरेशन लगाया, दिस इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जैसे मैंने यहां पे ऑपरेशन लगाया ये वाला, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट हो गई, लेकिन वो इक्विवेलेंट ही रहेगी, उसमें ऐसा नहीं है कि हमने मैट्रिक्स को बदल दिया, ठीक है, और मैट्रिक्स को बदल के हमारे क्वेश्चन जी ये क्वेश्चन ही चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैट्रिसेस में ये ऑपरेशंस जो हैं ये हमारे पास अलाउड हैं, ये वाले ट्रांसफॉर्मेशंस, तो ए को अगर ये ऑपरेशन लगा दें तो ये बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ये एक ऑपरेशन लगाया, ऐसे ही जो मैं आगे आपको ऑपरेशंस बताऊंगी, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करके हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, इनवर्स। ठीक है जी, अब अगर यही ऑपरेशन हम कॉलम की बात करते हैं, तो वही बात, अगर मैं कॉलम 1 को इंटरचेंज कर दूं कॉलम 2 में, ठीक है, तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या बन जाती, 2 4 1 3, दिस इज आल्सो अलाउड। ठीक है जी, तो ये कौन सा है, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन या फिर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। द सेकंड वन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या फिर कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव ले सकते हैं लेकिन जीरो नहीं। ठीक है जी, ये ऑपरेशन कैसे अप्लाई होता है कि अगर हम किसी भी रो के साथ या किसी भी कॉलम के साथ किसी भी नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई कर दे, जैसे कि अगर मैं रो की बात करूं, हमारे पास कोई भी रो है, मैंने आर आई ले लिया, आर आई मतलब कोई भी रो, 1 2 3 4 जितनी भी रोज हैं, अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं, बेटा ये सिंबल है ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का, अगर दोनों साइड्स पे लगाया ये है इंटरचेंज का। ठीक है,
ये इसका मतलब है कि मैं आर आई में ऑपरेशन लगा रही हूं, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल मैं आर वन में लगा रही हूं। अगर आपको आर टू में लगाना है तो आर टू लिखिए यहाँ पे, और आर टू में मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ऑपरेशन लगा रही हूँ। ठीक है, तो अगर आर वन में मैंने आर वन को किसी भी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगर मैं कॉलम की बात करूं, जैसे मैंने कॉलम वन में के साथ कॉलम वन को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी, तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं, हम यही ए गिवन है और मैंने आर वन में चेंजेस किया कि आर वन को मैंने टू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा ये देखो, ये आर वन है, इसको मैंने क्या किया, टू के साथ मल्टीप्लाई। तो ये ऑपरेशन लगने के बाद ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी बेटा, टू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। देखो, वन के साथ टू करेंगे टू, टू के साथ टू मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बिकम फोर। तो ये जो है, ये दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम यूज कर सकते हैं फॉर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है बेटा जी, अब अगर हम कॉलम की बात करें, जैसे ये बेटा कॉलम वन है, ये कॉलम टू है। सपोज मैंने क्या किया, कॉलम वन के साथ मैंने टू को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये है बेटा कॉलम वन, दिस इज कॉलम वन। तो वन के साथ करेंगे तो वो बन जाएगा टू, थ्री के साथ करेंगे वो बन जाएगा सिक्स, और दूसरा जो कॉलम है वो रहेगा सेम। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद। बेटा अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर हमने रोज वाले ऑपरेशन लगाने शुरू कर दिए तो आपको सारे का सारा क्वेश्चन, जब तक हमारा इनवर्स कैलकुलेट नहीं होता तब तक आपको रोज ऑपरेशन ही लगाते जाना है। अगर कॉलम्स ऑपरेशन हमने शुरू कर दिए तो जब तक आपका क्वेश्चन नहीं खत्म होता तो आपको कॉलम्स वाले ही ऑपरेशन लगाते जाना है। ठीक है जी, तो ये है हमारी सेकेंड वन, सेकेंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एंड द लास्ट थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन जो है बेटा हमारे पास, द थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज दैट कि अगर हम किसी भी रो को, जैसे रो वन है सपोज, ठीक है, रो वन को मैंने क्या किया कि अगर रो वन में मैं कुछ भी प्लस कर दूं दूसरी रो लेके, अब देखो ध्यान से देखना, अगर तो हमने रो वन के साथ लगाना है तो जैसे लास्ट हमने किया प्रीवियस इंडिविजुअल, रो वन को थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अगर हमने रो वन और रो टू को कंबाइन करना है, बेटा जरूरी नहीं है रो वन और रो टू, हमारे पास रो थ्री भी हो सकती है, रो फोर भी हो सकती है, तो आपको जिसके साथ भी कंबाइन करना है, लेकिन जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो, जैसे अगर मैं आर टू में लगा रही हूं तो देयर शुड बी आर टू, यहां पे आर टू होना चाहिए, उसके बाद प्लस जो भी रो आपको कंसीडर करनी है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो आप कर सकते हो, लेकिन जिस रो में मैं ऑपरेशन लगा रही हूं वही रो यहां पे होनी चाहिए। ठीक है, और इस रो के साथ यहां पे कोई भी हम जो कांस्टेंट है वो नहीं अप्लाई करेंगे, दूसरे के साथ करेंगे, के आर थ्री सपोज, या फिर के आर वन, कुछ भी लिख सकते हो आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब अगर मैं कॉलम की बात करूं तो कॉलम में भी यही कंडीशन है, अगर मैं कॉलम वन में लगा रही हूं तो कॉलम वन प्लस के कॉलम थ्री, ठीक है, कॉलम वन प्लस के कॉलम टू, कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर कॉलम वन में ऑपरेशन लगा रहे हो तो यहां पे कॉलम वन लिखना है, अगर कॉलम टू में लगा रहे हो तो यहां पे कॉलम टू लिखना है। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल कोई एग्जांपल दूं, हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स 2 3 3 -2, ये है हमारे पास, ठीक है, और हम यहाँ पे आर टू में चेंजेस करना चाहते हैं, आर टू में चेंजेस करना चाहते हैं, दिस इज रो वन दिस इज रो टू, मैंने देखो बेटा यहाँ पे लिखा आर टू
मतलब आर टू में चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है कि आर टू में से ना टू आर वन को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे k है बेटा, जरूरी नहीं है पॉजिटिव, हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। हमने माइनस टू, k की वैल्यू माइनस टू ले ली, ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अब ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है आपको, देखो बेटा यहाँ पे क्या है, आर टू, दिस इज आर टू, दिस होल रो इज आर टू, दिस होल इज आर वन, क्लियर। आपको क्या करना है, आर टू में से माइनस करना है टू आर वन। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना तो डायरेक्टली यही है कि ए का जो आंसर है वो क्या आया। अब चेंजेस किस में किए हैं, आर टू में, तो आर वन में कोई चेंजेस नहीं है, आर वन आपको सेम एज इट इज आपको लिख देनी है आर वन, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं आर टू में चेंजेस करने की, बेटा फॉर स्टार्टिंग मैं आपको यहाँ पे रफ वर्क सिखा रही हूँ कैसे करना है आपको, लेकिन जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी आफ्टर प्रैक्टिस, तो आपको ये चीज वहां पे मेंशन नहीं करनी है, लेकिन मैं आपको फॉर द प्रैक्टिस आपको समझा रही हूँ। देखो ये हमारे पास ऑपरेशन है, चेंजेस आर टू में करने हैं, मतलब यहाँ पे चेंजेस होके आएंगी, ये जो है ये चेंज होगा आर टू। ये होगा कैसे, आर टू में से टू आर वन को माइनस करना है। अब आर टू में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक थ्री है एक माइनस टू है। सबसे पहले आपको थ्री उठाना है, यहां पे लिखा थ्री, आगे कौन सा साइन है, माइनस का, आगे क्या लिखे टू, नेक्स्ट क्या है आर वन। बेटा देखो अगर आप थ्री की बात कर रहे हो, तो हम रोज की बात कर रहे हैं ना, तो थ्री के साथ कौन सी रो आएगी, उसके ऊपर वाली। अगर नीचे वाली होती, अगर हम वन में लगा रहे होते तो नीचे, मतलब आपको यही देखना है कि अगर हमारे पास ये रो है तो उससे ऊपर वाली रो या उससे नीचे वाली रो कौन सी है। आपको ये नहीं देखना कि थ्री है तो यहाँ पे आर वन ये थ्री लेना है, नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग लेना है आपको, ठीक है जी। अब यहाँ पे थ्री, अगर हमने थ्री लिया आर टू, तो आर वन क्या लेंगे टू। वैसे ही अगर हम आर टू को माइनस टू लेंगे तो आर वन को लेंगे थ्री, कॉरेस्पॉन्डिंग चलना है बेटा आपको। देखो अगर आपको थ्री में चेंजेस करने हैं, ये प्लेस है थ्री की, दिस इज द प्लेस ऑफ थ्री, इसमें चेंजेस लेके आने हैं। तो देखो बेटा चेंजेस कैसे लेके आएंगे, ये ऑपरेशन लगाएंगे, आर टू थ्री लिखा, आर टू में थ्री था, इसमें चेंजेस लेके आना है, नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन, टू के साथ मल्टीप्लाई करना है किसको, आर वन को, आर वन क्या है टू, क्लियर। तो यहां पे बन जाएगा थ्री माइनस फोर इज इक्वल्स टू माइनस वन, मतलब ये ऑपरेशन यहां पे लगाने के बाद ये वैल्यू बन गई माइनस वन। ऐसे हम ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट पे लगा के छोड़ दिया, यहां पे आर टू की बात हो रही है, तो जितनी आर टू है पूरी की पूरी सारी आर टू पे आपको ये ऑपरेशन क्या है लगाना पड़ेगा। अब R2 उठाएं, R2 का दूसरा एलिमेंट क्या है, माइनस टू। देखो बेटा ये तो एक ऑपरेशन हो गया जिसका प्लेस हमने लिख दी, अब ये यही ऑपरेशन लगाना है दोबारा से माइनस टू पे। R2 का एलिमेंट माइनस टू जो मल्टीप्लाई करना है, अब माइनस टू का कॉरेस्पॉन्डिंग R1 में क्या है थ्री, ठीक है, तो ये क्या बन गया माइनस टू माइनस सिक्स, क्या बन गया माइनस एट, तो जो माइनस टू है वो किसमें कन्वर्ट हो गया हमारे पास माइनस एट में। सिमिलरली यही ऑपरेशन हम कॉलम्स में लगाएं, तो रोज की बजाय हम किसकी बात करेंगे, कॉलम्स की बात करेंगे, ठीक है जी। तो बेटा यही ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन सिखाई है, यही ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपको कहां पर अप्लाई करनी है, फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको यही ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना पड़ेगा। लेकिन स्टार्ट कैसे करना है आपको, अगर आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है, अगर हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स का, देखो बेटा
अगर हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स गिवन है, तो आपको कैसे स्टार्ट करना है? एनी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ए बी सी डी, अगर हम 2x2 से सिंपल स्टार्ट करते हैं, हमारे पास अगर 2x2 है, ठीक है, तो बेटा अगर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, देखो अगर तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि रो लगाओ या कॉलम लगाओ, तो आपको वही लगानी पड़ेगी। अगर आपको नहीं गिवन, आपको कोई भी अप्लाई करनी है, तो दिस इज योर चॉइस, आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है कि आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है। देखो अगर तो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा ऐसे, यहां पे आप ए मैट्रिक्स लिखोगे जो आपको गिवन है, यहां पे आप आई लिखोगे, अब ये 2x2 है तो आई भी 2x2 होगा, इस ए को बेटा आपको ए ही लिखते जाना है फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्लियर। अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है बेटा, दिस इज द स्टार्टिंग प्रोसीजर कि इनवर्स जो है आपको स्टार्ट कैसे करना है। सो फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको ए यहां पे ऐसे ही रखना है, अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो तो ए आपको यहां पे पूरे क्वेश्चन के लिए ऐसे ही रखना है। अब देखो आपका प्रोसीजर क्या है, यहां पे ए है, यहां पे आई है, यहां पे ए है, निकालना क्या है, इनवर्स। बेटा आपका जो मेन मोटिव है वो है कि इसको आपको आई बनाना है, क्या बनाना है, आई, मतलब इसको, इस मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिटी बनाना है 1001। जो भी ऑपरेशंस आप यहां पे अप्लाई करोगे, वही ऑपरेशंस आपको साथ के साथ इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करते जाना है, सेम ऑपरेशंस। आपको इसको नहीं देखना, ये मैट्रिक्स में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो कोई बात नहीं, लेकिन आपको सिर्फ इसको कंसीडर करके चलना है कि ये जो है ये आइडेंटिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं बेटा, अगर यहां पे बेटा आइडेंटिटी बन जाएगा और यहां पे चेंजेस जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हैं, यहां पे कोई भी मैट्रिक्स आ जाएगी, एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स आ गई, डी ई एफ जी, कोई भी आ गई, ठीक है, यहां पे आई आ गया, डी ई एफ जी, ये चेंजेस कर दिए ना यहां पे, ये 1001 चेंज होके डी ई एफ जी बन जाएगा। अब इसके साथ कौन सी मैट्रिक्स पड़ी है, ए, और यहां पे राइट लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, आई। देखो बेटा जो हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ एक मैट्रिक्स ऐसी पड़ी हो जिन दोनों को प्रोडक्ट करके हमारे पास क्या बने, आई बने, तो वो क्या होती है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। दैट मीन्स अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद यहां पे आइडेंटिटी बन जाए और यहां पे कोई भी मैट्रिक्स बन जाए, तो जो ये मैट्रिक्स हमारे पास आएगी, ये ए है गिवन मैट्रिक्स जो हमारे पास थी, उसके साथ कोई ऐसी मैट्रिक्स आ गई और इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद ये चीज क्या बन गई, आई बन गई, तो ये जो हमारे पास आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आएगी, दिस इज ए इनवर्स, क्लियर। बाकी बेटा आपको क्लियर होगा जब हम थ्रू एग्जांपल्स करेंगे, ये अभी मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया, ताकि अगर हम क्वेश्चन में ही अप्लाई करें नहीं क्लियर होगा आपको, आपको अब ये ट्रांसफॉर्मेशंस होती क्या है आपको अब आज के लेक्चर में बता दिया गया है। अब यही ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर फाइंडिंग इनवर्स यूजिंग वेरियस एग्जांपल्स हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड आपको ये सारी ट्रांसफॉर्मेशंस जो है अपने माइंड में रखनी है कि ट्रांसफॉर्मेशंस कौन कौन सी होती हैं और हमें उसको कैसे अप्लाई करना है। तीन ट्रांसफॉर्मेशंस ही हैं, रो के लिए भी और कॉलम के लिए भी। रो के लिए इंटरचेंज भी कर सकते हैं रोज को, किसी भी रो को किसी भी
स्केलर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम और क्या कर सकते हैं, थर्ड वन कि किसी भी रो में दूसरी रो के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है। ठीक है जी, तो ये तीन बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन हैं जो हम लोग करेंगे फॉर फाइंडिंग इनवर्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ अभी भी तो नेक्स्ट लेक्चर में श्योरली आप सबको एग्जाम्पल के थ्रू दैट विल बी क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।